Okay guys, आज हम will be starting with exercise number 1.2 which is on the page 13 of NCERT book standard 9th. Okay, अभी तक आपने number system में variety of numbers देखे. Obviously you have gone through the true and false exercise also earlier. यहाँ पे कुछ और true and false है based on the definition of all the numbers you have learned up till now. I'll again suggest you to remember the flowchart wherein R is the father, that is the real numbers. Okay, उसके नीचे क्या आता है? It's divided into two, the rational numbers, the irrational numbers. Rational के नीचे क्या आता है? चलो guys, remember and tell me, the integers के नीचे whole numbers, के नीचे the natural numbers. Okay. अगर ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद होगा तो यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स. ओके, सो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक गाइस? एवरी इरेशनल नंबर दैट इज क्यू डैश इज अ रियल नंबर, दैट इज आर. इज इट जस्टिफाइड? डज इट कम बिलो द रियल नंबर? यस. सो दिस स्टेटमेंट इज True. सारे के सारे जो भी irrational numbers है shall be included in the category of real numbers. Okay? सारे rational, सारे irrational comes under real number. तो this statement is absolutely true. Fine. Okay. Coming to the second question of the true and false section, that is every point on the number line is in the form of root m, where m is a natural number. अभी हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. ओके, सो कमिंग टू द स्टेटमेंट अगेन, ये लोग क्या कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. अभी हम कोई एग्जांपल ले ले, सपोज रूट फोर, तो वो क्या बनता है? टू. यस, ऑफकोर्स इज अ नेचुरल नंबर. देन अगर हम ले लें रूट नाइन तो क्या बनता है? थ्री. यस, इट्स अ नेचुरल नंबर. बट अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल ले के रूट ऑफ माइनस फाइव, तो ये क्या बनेगा? ये इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ माइनस रूट ऑफ फाइव आई स्क्वेयर, जो बन जाता है रूट ऑफ फाइव आई. अभी आप वंडर करोगे कि व्हाट इज दिस आई? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इन योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स. ओके, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके बारे में आप डिटेल में हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे. ऑफ कोर्स द नेम सजेस्ट बीइंग कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इन कंपैरिजन टू अदर नंबर्स. ओके, सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम. ओके, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट गोज फॉल्स. ओके, ऑलवेज जस्टिफाई योर स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स गिविंग एन एग्जाम्पल. ओके, आप ये एग्जाम्पल स्टेट करके आप यू कैन जस्टिफाई योर आंसर. फाइन. ओके, जो जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड स्टेटमेंट इन द केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, वो लिखा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. बताइए, आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कीजिए. जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको फ्लो चार्ट, दैट शुड बी इन योर माइंड फॉर द होल ऑफ द चैप्टर, राइट? तो अगर आप वो ड्रॉ करेंगे फिर से जो मैं कर रही हूँ अभी, द रियल नंबर्स के अंदर आते हैं रैशनल, इरेशनल, रैशनल के अंदर आता है द इंटीजर्स, द होल नंबर्स एंड द नेचुरल नंबर्स. ओके, सो इसकी सब कैटेगरी में आते हैं रैशनल, इरेशनल. ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सारे के सारे जो रियल नंबर्स है वो इरेशनल नंबर्स है. डू यू थिंक दिस इज ट्रू? नो, एब्सोल्युटली नॉट. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? द रिवर्स, जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन लिया था जहां पे लिखा था ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, उल्टा इज ट्रू. बट द रिवर्स, दैट इज रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इज एब्सोल्युटली अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 1.2. इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग? आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल. ओके,
सो अभी तक हमने इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या देखे. वी सॉ एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर. क्या क्या थे? रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन एंड सो ऑन, राइट. अभी यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, राइट. तो इवन यू कैन से 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, है? यस. इज 16 अ पॉजिटिव इंटीजर? यस. देन इज 25 अ पॉजिटिव इंटीजर? यस. अब इन सबका मैं अगर रूट लू, इफ आई टेक रूट 4, रूट 16 एंड रूट 25, तो इसके आंसर्स क्या बनेंगे? आपको पता है रूट 4 इज 2, रूट 16 इज 4, रूट 25 इज 5. तो आर 2, 4 एंड 5 इरेशनल? द आंसर इज नो. ओके, दे आर नॉट इरेशनल नंबर्स, राइट. सो कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट्स जो है वो इरेशनल है. दिस आर द एग्जांपल्स 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, राइट. बट ऐसे बहुत सारे दूसरे भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लाइक 14, 16, 25 एंड सो ऑन, जिनके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है. दे आर रैशनल. ओके, दिस आर रैशनल नंबर्स. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आर दिस इरेशनल? द आंसर इज नो. एंड इफ एग्जांपल्स आर डिमांडेड इन द क्वेश्चन, यू कैन स्टेट सच एग्जांपल्स. क्लियर? ओके. Okay, so third question in the exercise 1.2 says to locate or to show root 5 on the number line. How can you represent root 5 on the number line? I've already shown you this before, but this being the part of the exercise again, we'll repeat the plotting of root 5. Okay, aapko shayad se yaad hi hoga, again it would be a revision. 0, minus 1, minus 2, minus 3. This side positive, I got 1, 2, 3 and so on, right. This being the number line, you are asked to plot root 5. Okay, so this is your two unit, unit 1 and unit 2. Agar unit 2 se if you extend a perpendicular of say 1 unit, you will get this triangle as right angle triangle, right. Usko hum naam de dete hain. Suppose if we gave the name of this particular triangle as OAB, right. OAB is a right angle triangle. Abhi right angle triangle hai, to can we apply the Pythagoras here? Can we apply? Absolutely. So, ye length aapki kya ban rahi hai? 2. This is your length 1. Right. So, to have the hypotenuse distance, that is OA, how to find OA? That is root of this side square and this side square. Okay. Base or altitude ka square banega. That is 2 square plus 1 square. This is how much? 2 square is 4 plus 1 square is 1. So, ye bana aapka root 5. Clear? So, this particular length of yours is root 5. Got it? Abhi ye to aapki bani slant length. Okay. ये आपकी इंक्लाइंड लेंथ है रूट 5 जो OA से रिप्रेजेंटेड है. बट यू आर आस्क्ड टू लोकेट इट ऑन द नंबर लाइन. तो क्या करोगे? यू विल टेक अ राउंडर कीपिंग O एज सेंटर. कीप द पॉइंटेड पार्ट ऑफ द राउंडर एट O बीइंग द सेंटर एंड OA एज रेडियस. इसको आपको रेडियस लेना है OA लेंथ को जो आपका रूट 5 है. एंड कट दैट विद अ राउंडर एंड द अदर एंड ऑफ द राउंडर ऑन द नंबर लाइन. जहां पे भी वो कट कर रहा है, now that particular length has been represented on the number line as root 5. Okay, इसको नाम दे दीजिए अगर D, so you can write that OD length is equals to root 5. Fine, this is how you can represent the irrational numbers onto the number line.